स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिः सर्वहन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणय प्राणय ॐ चक्षु चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रं ॐ नाभि ॐ हृदयं ॐ कण्ठ ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशो बलम् ॐ करतल कर पृष्ठे ॐ भू पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्यां ॐ तपः पुनातु पादयो ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भू ॐ भुव ॐ स्व ॐ मह ॐ जन ॐ तप ॐ सत्यम् ॐ अरितं च सतं च विदात् पशु अध जायत ततो रात्र जायत तत समुद्रो अर्णव ॐ समुद्राद्रणवादधि समुद्र अजायत अहो रात्राणि मिस्तो वसी ॐ सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथ्वी च अन्तरिक्षमथोस्व। ॐ शन्नो देवीरभिषये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिः सर्वहन्तु नः। अथ मनसा परिक्रमा मंत्र। अब हम अपनी चारों दिशाओं से और आकाश और पाताल की तरफ रहने वाले जितने भी अक्षत्रिय हैं, जितनी जड़ी बूटियां हैं, जितने देवी देवता संत समाज होता है, उनसे हम प्रार्थना करते हैं और उनको नमस्ते करते हुए हम कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। ओम प्राचीः अग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इस्व तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नम इसुभ्यो नम येभ्यो अस्तु यो अस्मान् दृष्टियं वयं दिस्मस्तं भेदद्मः। ओम दक्षिणा दिगिंधरो अधिपतिश्च राजी रक्षिता पितृ इस्व तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नम इसुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् दृष्टियं वयं दिस्मसं ॐ प्रतीचिः दिक्वरुणो अधिपति प्रदाकु रक्षिता अन्नमिश्व तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नम इसुभ्यो एभ्यो अस्तु यो अस्मान् दृष्टियं वयं दिस्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ उदीचि दिक्सोमो अधिपति स्वजो रक्षिता तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नम इसुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् दृष्टियं वयं ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माश गिरिवो रक्षिता विरुधैस्व तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नम इसुभ्यो एभ्यो अस्तु यो अस्मान् दृष्टियं वयं दिस्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपति स्वितरो रक्षिता वृषमिश्व तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नम इसुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् दृष्टियं वयं भोजं भेदद्मः।
ओम उदुतयं जात वेदसं देवं वहन्ति केतव दृशे विश्वाय सूर्यं ओम चित्तरं देवानामुदगादनेकां चक्षुर्मित्रस्याग्नेया प्राज्ञा वः पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुष्ट स्वाहा ओं तत्सुरं देववहितं पुरुषाचुक्रमोचरत् वेम शरद सतम शृणुयाम शरद प्रवर्वाम शरद सतम दीनाश्याम शरद सतम भूयाश्च शरद सता ओं भूर्भुवस्सव तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ईश्वर दयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाम मोक्षणा सदा सिद्धिर्भविन्नः ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम शांति 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 ओम। अभी हमने जो अदृश्य हमको दिखाई देने वाले देव हैं उनकी पूजा और अर्चना की है सभी दिशाओं में, जैसे जड़ी बूटियाँ हमें दिखाई देती हैं, पूर्व दिशा का हमें आभास है, राजाओं के बारे में सुना है, क्षत्रियों के बारे में सुना है, तो उनसे हमने प्रार्थना की है कि वे हमारे लिए रक्षा करें, हर तरह से हमारी रक्षा करें। अब जो है जल से आचमन करेंगे, तीन ये आचमन होते हैं। जल से ही आचमन क्यों करते हैं, क्यों संसार में जल जो है सबसे श्रेष्ठ है और जल कभी उतार चढ़ाव को नहीं देखता, जल चाहे कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए उसकी प्रकृति फिर भी ठंडी रहती है, अग्नि को बुझाता है, इसलिए कहते हैं वो कितने ही दुख आ जाएं कभी भी हमें संकटों से घबराना नहीं चाहिए, उतार चढ़ाव आ जाएँ तो उनका आभास नहीं होना चाहिए। ओम अमृतोपास्त्रणमसि ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यश सरिमय श्री श्रेताम। अब लेफ्ट हैंड बोल, अब जो है शुद्धि शरीर हम अपने इसको बोलते हैं अंग स्पर्श मंत्र, अक हमारे सभी अंग जो हैं जो कार्य करते हैं वो भी पानी की तरह से हो जाए, किसी भी भाव में बिगड़ने नहीं चाहिए वो। ओम अवांग में आशे अस्तु ओम नसोर में प्राणो अस्तु ओम अक्षणोर में चक्षु अस्तु ओम कणियोर में श्रोत्रम अस्तु ओम भैवोर में बलम अस्तु ओम उर्वो में ओजो अस्तु ओम अरिष्टानि में अंगानि तनस्तन्वा में सहसंतु। अब सभी तरह से शुद्धि करके अब हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं और उससे जो है हम मांगते भी हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान हम सबको आप स्वस्थ बनाए। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासु वाहयन भद्रं तन्न आसु ओम हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे तस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विदेम ओं ये आत्मदा बलदाय से विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाय यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विदेम ओम य प्राण तो निमिष तो महित्वै कैद्राजा जगतो वभूव यही से अस द्विपद चतुष्पद कस्मै देवा ओम ये न जहुरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वः सद्भितं ये न नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वाजाता चरिता वैभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयीणाम्।
ओम से नौ बंधुर्जनिता से विधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान साना तृतीय धामन्य धैर्यहंत ओम अग्निनय सुपधाराय अस्मान विश्वानि देव जिनानि विद्वान् योयोध्यसं जहुराण मे नो यम ते नम उक्तिं विदे। अब अग्नि ध्यान मंत्र है, अब हम अग्नि देव को प्रकट करने के लिए आह्वान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः सद्यवरिव भूम्ना पृथ्वी ववरिम्नाम तस्यास्ति पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्या दमन्या धाया। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टा पूते संसृजिता मयां च अस्मिन् सद्यस्ति अद्युत्र अस्मिन् विश्वे देवाः यजमानश्च सीदत। ओम आयन्त इद्मयात्मा जात वेदस्येनादस्य वर्धस्य जवर्धया चास्मान् पर्जया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसेनाम्ना देन हृदये स्वाहा इदम् अग्नेः जात्वेच्छेदन्नमम। ओम समिधाग्निं दुवश्यतः घृतै बोधयता तिथि आस्मिन् हव्या जुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तिवरं जुहोतन अग्नेः जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नेः जात्वेच्छेदन्नमम। ओम तन्तवः समद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि स्वाहा इदम् अग्नेः अङ्गिरसे इदन्नमम। अभी हमने तीन संविधाओं को रखा है। तीन ही संविधा क्यों रखी जाती है? क्योंकि शरीर में तीन ही दोष हैं, वात पित्त और कफ। हमने वात के अनुसार, पित्त के अनुसार और कफ के अनुसार भगवान को प्रार्थना करके अर्पित किया कि हे भगवान मेरे शरीर के अंदर ये जो तीन दोष हैं, ये तीनों दोषों अग्नि देव जो जठराग्नि के अधीन हैं उनके समर्पित हैं और आप उनको स्वस्थ बनाओ। इसमें फिर पांच आहुतियाँ अब दी जाएंगी इस मंत्र की। इस पांच आहुतियों का मतलब है कि आपके शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो हम घी से उनको कहते हैं कि हम भगवान जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो भी अग्नि देव उसको अच्छा बनाए, जो जल तत्व है उसको भी ठीक रखे, जो पंच महाभूत है हमारे उनको ठीक करने के लिए हम पांच आहुतियाँ इसमें घी की देते हैं क्योंकि घी अग्नि का रूप होता है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसे नेदस्य वर्धस्य चेद्ध वर्धय चास्मान् पर्जया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसे नाम्ना देन धये स्वाहा इदम् अग्नेः जात्वेच्छेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसे नेदस्य वर्धस्य चेद्ध चास्मान् पर्जया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसे नाम्ना देन समेधये स्वाहा अग्नेः जात्वेच्छेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसे नेदस्य वर्धस्य चास्मान् पर्जया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसे नाम्ना देन समेधये स्वाहा इदम् अग्नेः जात्वेच्छेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसे नेदस्य वर्धस्य दवर्धया चास्मान् पर्जया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसे नाम्ना देन समेधये स्वाहा इदम् अग्नेः जात्वेच्छेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसे नेदस्य वर्धस्य चेद्ध आसमान पर्जया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसे नाम्ना देन समेधये स्वाहा इदम् अग्नेः जात्वेच्छेदन्नमम। अब हम जल से इसके चारों दिशाओं पर जल का प्रक्षेपण करते हैं। उसका मतलब क्या है कि अग्नि देव को तो हमने प्रज्वलित कर दिया, तो जो जल तत्व हमारा वो जल तत्व भी हमारे शरीर को चारों तरफ से रक्षा करे। इसलिए पहली जो इसमें जल का होता है वो आपकी पूर्व दिशा में आता है, ओम आदिते अनुमने स्व। दूसरा जो है आपका पश्चिम दिशा में होता है,
ओम अनुमते अनुमनस्व, और तीसरा जो आपका उत्तर दिशा में होता है ओम सरस्वते अनुमनस्व, और अब चारों दिशाओं में होगा ओम देव सवितः प्रसुभयजम प्रसुभयजपतिम भगायः दिव्यो गंधर्वः केतपुके न पुनात वाचस्पतिर्वाचम न सदतु। अब फिर इनको दोबारा पंचमहाभूतों की अलग अलग आहुतियाँ सभी डालेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये जन्मम, ओम सोमाये स्वाहा इदम सोमाये जन्मम, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते जन्मम, ओम इंद्राये स्वाहा इदम इंद्राये जन्मम। और दो आहुतियाँ हम अपने आप डालते हैं, एक पितरों के लिए और एक जो है धन्वंतरी महाराज के लिए जिससे हमारा आयुर्वेद चला। ओम पित्राये स्वाहा इदं पित्राये धन्वम, ओम धन्वंतरये स्वाहा इदं धन्वंतरये धन्वम। अब फिर सूर्य की उपासना करते हैं। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। एक आहुति जो है मौन होती है, आपने जो कुछ मांगना हो इसलिए अचानक नहीं करना चाहिए, ओम रुक के आपने जो मांगना है उसके बाद कहिए स्वाहा, ये मौन आहुति होती है। ओम स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाये स्वाहा इदमग्ने प्राणाये धन्वम, ओम भूर्वायवे अपानाये इदम वायवे अपानाये धन्वम, ओम सौरादित्याय व्यान्याय स्वाहा इदम आदित्याय व्यान्याय धन्वम, ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवः आदित्येभ्यः प्राणापहनव्यानिभ्यः इदमग्नि वायवः आदित्येभ्यः प्राणापहनव्यानिभ्यः धन्वम, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः सर्वं स्वाहा। क्योंकि हमारी वायु पांच प्रकार की है जिसमें प्राण अपान वायु व्यान और समान वायु होती है, उन सब की हमने इसमें आहुतियाँ डाल ली। तो आगे कौन सा मंत्र है? ओम ओम याम वेद मेद ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः सर्वं स्वाहा, ओम याम वेदाम देवगणा पितरस्य चोपासते तया मा मध्य दयाग्नेयमेधा विनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुवः यन्भद्रं तन्नयासुवः स्वाहा, ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वायुना युयोध्यसं जहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब जो है हम तीन त्रयंबक मंत्र की, मृत्युंजय मंत्र जिसको कहते हैं, उसकी तीन आहुतियाँ देते हैं। क्योंकि उसमें हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस तरह से खरबूजा जो है पकने के पश्चात सुगंधी और मिठास देता हुआ स्वयं टहनी से अलग हो जाता है, उसी तरह से हम भी अपने सांसारिक कर्मों को पूरा करके यज्ञ इत्यादि करते हुए अच्छे कर्म करते हुए संसार से चले जाएं। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा, ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा, ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा, ओम सन्नो देवीरभिषय आपो भवन्तु पीतये संयोरवि सर्वन्तु स्वाहा, ओम सन्नो देवीरभिषय आपो भवन्तु पीतये संयोरवि सर्वन्तु स्वाहा,
ओम सन्नो देवी रविषय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि सर्वन्तु नः स्वाहा। अब तीन आवतियाँ गायत्री मंत्र की देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात् स्वाहा। अब तीन आवतियों में अपनी पूरी सामग्री इसमें डाल देनी है। ओम सर्वं वै पूर्णघ्वां स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णघ्वां स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णघ्वां स्वाहा। अब जो है राष्ट्रीय प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर जो है यज्ञ की प्रार्थना होती है। दोनों प्रार्थनाओं में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी औषधियाँ जो हैं वो अमृत की देने वाली हो, सभी महिलाएं सौभाग्यवती हों, हमारे यहाँ के घोड़े ताकतवर होने चाहिए, अक्षत्रिय हमारे ताकतवर होने चाहिए और हमारी जो संतान है वो यज्ञ की कर्ता होनी चाहिए। राष्ट्रीय उपासना में यही कहा गया। आ ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी हो वे दुधारु गौ वे पशुया सुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा बलवान सभ्य योदा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वरसे प्रजन्न ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोग योग क्षेम कारी स्वाधीनता हमारी है जरूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए छोड़ देव छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें हर्ष में ओम अग्रसारे शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाए यज पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को श्रद्धा भक्ति से यज आदि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज से नर नार की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए पिता मानसिक बल दीजिए पिता मानसिक बल दीजिए
ओम धौ शांति अंतरिक्ष घम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषधय शांति वनस्पतय श्रीदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वघ्म शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय, धर्म की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की, योगी राज कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, धरती माता की, यजदेव भगवान की, सबको सादर नमस्ते। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करने योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में प्रतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें।